अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आइडियोलॉजी विद अनीला शहजाद। इससे पहले मैंने आइडियोलॉजी का पहला प्रोग्राम किया था जिसमें फाउंडिंग फादर्स के बारे में कि किस तरह हमने उनको चेरिश करना है और किस तरह उनको चेरिश करना हमारी नेशनल यूनिटी के लिए बहुत ही वाइटल होता है। और आज का जो ये प्रोग्राम है ये स्पेसिफिकली कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर और उनकी बहुत सारी स्पीचेस को मैंने इकट्ठा किया है और सिर्फ जस्ट टू फाइंड आउट फॉर माई सेल्फ ऑल्सो एंड फॉर एवरीबडी के हमारे ही मुल्क में जो एक बहुत बड़ी क्लास बनती जा रही है जिसको हम लिबरल क्लास भी कह सकते हैं, एक प्रोग्रेसिव क्लास भी कहते हैं, जो कि वेस्टर्न आइडियल्स से काफ़ी ज़्यादा मुतासर है और वो समझते हैं कि जो प्रोग्रेस है और जो लाइक डेवलपमेंट है वो सिर्फ तभी हो सकती है जबकि हम वेस्टर्न मॉडल जो है डेमोक्रेसी का, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का या सेकुलराइजेशन का जो मॉडल है उसको अगर हम अपना लें तो फिर ही हम प्रॉपर जो है ना प्रोग्रेस के रास्ते पे चलेंगे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो है इस्लाम जो है एक ऐसा आइडियल है और ऐसा एक बैलेंस किस्म का वे ऑफ लिविंग हमें देता है जो कि एक सस्टेनेबल प्रोग्रेस को लेकर के चल सकता है, ऐसी प्रोग्रेस जिसमें तमाम जो माशरे की तबकात है उनको अपलिफ्ट मिलती है और ग्रेजुअल और एक मतलब एक जस्ट किस्म का माशरा वहाँ पे जब बनता है तो फिर ही रियल प्रोग्रेस जो है वो सामने आती है। तो कायदे आज़म का इसमें क्या रोल है, क्या कायदे आज़म ने बीइंग अ पर्सन हु वाज एजुकेटेड इन लंदन, वहाँ से वो लॉ की डिग्री करके आए, प्रोफेशनल डिग्री लेकर आए, उसके बाद उन्होंने यहाँ आकर प्रैक्टिस भी की बरेसगीर में आकर, उसके बाद वो पाकिस्तान की तहरीक के साथ जुड़ गए, तो क्या उन्होंने ये मैसेज दिया हमें कि हमें एक सेकुलर कंट्री बनना चाहिए, क्या उन्होंने ये मैसेज दिया है कि वेस्टर्न आइडियल्स को ही फॉलो करने से जो है हम ट्रू प्रोग्रेस हासिल कर सकेंगे अपनी कंट्री में। तो इस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए ये तमाम स्पीचेस हैं उनकी, वो मैं सामने लेकर आई हूँ, काफ़ी तवील हो जाएंगी लेकिन इट्स रियली रियली इम्पॉर्टेंट कि हम इनसे गो थ्रू करें ताकि हम समझ सकें कि हमारे फाउंडिंग फादर्स के क्या ख्याल थे जब वो एक इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में लगे हुए थे और उन्होंने कैसा मतलब हमें एक मुल्क हमारे हाथों में हमारी झोली में डाल करके दिया है। सो ये है जिन्ना द कायदे आज़म और पहली स्पीच इनकी हम देखते हैं। 1941 में पंजाब मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन यानी पाकिस्तान बनने से पहले बरेसगीर जब इकट्ठा था तब उन्होंने पंजाब में उनका ये जो विज़िट हुआ था उन्होंने क्या कहा, द वाइटल कॉन्टेस्ट इन विच वी आर इंगेज इज़ नॉट ओनली द मटीरियल गेन बट ऑल्सो द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल ऑफ मुस्लिम नेशन। यानी शुरुआत से ही फ्रॉम द ऑनसेट कायदे आज़म ये कह रहे थे कि सिर्फ मटेरियल गेन के लिए हम ये सारी कॉन्टेस्ट की सारी जदोजहद नहीं कर रहे हैं और वेस्ट का आपको पता है मॉडल क्या है, वो तो प्रोग्रेस को मटेरियल क्योंकि उनकी तो फिलॉसफी ही बेस्ड ऑन मटेरियलिज्म है और स्पिरिचुअलिटी को तो शायद वो मानते हैं लेकिन गॉड को तो उन्होंने इक्वेशन में से कब पर निकाल बाहर किया हुआ है और उनके ख्याल में जो मटीरियल प्रोग्रेस है वही असल प्रोग्रेस है, उसके अलावा आप किसी चीज़ को मेजर नहीं कर सकते। लेकिन फ्रॉम द ऑनसेट कायदे आज़म ने क्या कह दिया कि ये हमारा मकसद नहीं है कि मटीरियल गेन यानी एक ज़मीन का टुकड़ा ही आप उसको कह लें वो भी एक मटीरियल गेन है लेकिन असल जो मकसद है इस सारी जदोजहद का है कि जो स्पिरिट है मुसलमान कौम की, जो उनकी सोल है उनकी रूह है उसको बरकरार रखना और उसकी सेफ गार्ड करना कि वो डैमेज ना हो। सो ये है हमारे कायदे आज़म, ये है उनके ख्याल। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दिल्ली 1943 बिफोर पाकिस्तान वॉज मेड, उन्होंने क्या कहा, वन यू टॉक ऑफ डेमोक्रेसी यू आर थरली डिसऑनेस्ट। ये तब की बात जबकि ब्रिटिश और जो हिंदू मेजॉरिटी है वो सब कायद आज़म पर ये एम्फेसाइज कर रहे थे कि आप बरेसगीर को इकट्ठे रखो और इधर हम डेमोक्रेसी ले आएंगे और ज़ाहिर है जब डेमोक्रेसी होगी तो हर कौम को जो है ना उसकी पॉपुलेशन के नंबर के मुताबिक रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी और उनके जो राइट्स हैं वो सेफ गार्ड हो जाएंगे। तो उस बात पर कायद आज़म ने उस वक्त कहा कि ये आप बिल्कुल डिसऑनेस्ट हो रहे हो क्योंकि आप जिस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो उसका मतलब है अटली कि वो हिंदू राज होगा।
यानी कि ऐसी तर्ज हुकूमत होगी जिसमें मेजॉरिटी हमेशा हिंदूज़ के पास होगी, और आपको पता है कि अगर आप 30% भी मेजॉरिटी माइनॉरिटी में हो तो 70% हमेशा आपके ऊपर रूल करते हैं। आपके अपने रिलीजन और अपने नॉर्म्स, अपने जो कल्चर के मुताबिक कभी भी आप लेजिस्लेचर नहीं कर सकोगे, बिकॉज जो एक वोट भी मेजॉरिटी का है वो आपको के वोट को जो है वो आगे नहीं बढ़ने देगा। तो ये एक ऐसा सिस्टम बन जाना था जिसमें जो मुसलमान जो है वो बेशक 30% भी हो, 35% भी हो, लेकिन वो हमेशा एक माइनॉरिटी ही रहते। और आपको जैसे कि पता है कि हिंदू जो 1946 के इलेक्शन में जब उनको और 45 के इलेक्शन में जब उनको इतनी ज़्यादा वोट मिली थी बरेसगीर में, तो उन्होंने प्रूफ कर दिया था उस वक्त क्लियरली कि वो मुसलमानों को लाइक बहुत बुरी तरह से यानी मिसयूज़ करेंगे अपने पावर को मुसलमानों के खिलाफ। सो उस वक्त कायदे आज़म ने कहा कि मुस्लिम्स आर अ टोटली डिफरेंट नेशन, अ डिफरेंट कल्चर, अ डिफरेंट एंड डिफरेंट इन एवरीथिंग। हर लिहाज से मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं से बिल्कुल डिफरेंट है। ये बात यानी टू नेशन थ्योरी को बार बार वो एम्फसाइज करते रहे अपनी तकरीरों में। और उन्होंने कहा कि ये जो डेमोक्रेसी का लेक्चर आप हमें देते हो, ये तो 1300 साल पहले हमें हमारे प्रॉफिट ने दे दिया था, और इस्लाम जो है उसको पता है कि असल डेमोक्रेसी, असल जो है ना फॉर द पीपल, किस तरह से गवर्न करना है, किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है, और किस तरह से लाइक प्रोग्रेस को उस नहज पर लेकर आना है कि पूरी अवाम, पूरा जो कौम है, हर एक को इक्वल जस्ट तरीके से जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड किस्म का प्रोग्रेस मिले। ये चीज़ तो इस्लाम ने हमें बताई है, ये कायदे आज़म कह रहे हैं। 1943 NWFP में उनका विजिट हुआ, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन से उन्होंने बात की। यू हैव आस्क्ड मी टू गिव यू अ मैसेज, व्हाट इज़ द मैसेज आई कैन गिव यू, वी हैव गॉट द ग्रेट मैसेज इन द कुरान फॉर आवर गाइडेंस एंड एनलाइटमेंट। अब देख लें आपके ना सिर्फ इस्लाम की बात करना बल्कि बार बार कुरान का जिक्र करना और ये कहना कि बेहतरीन मैसेज है और बेहतरीन यानी हर तरह की ज़िंदगी के जो मामलात हैं उनके लिए गाइडेंस है कुरान के अंदर, और एनलाइटमेंट, आप देखें एनलाइटमेंट का वर्ड, बिकॉज मैं आपको ये चीज़ एम्फसाइज कर दूँ कि बीइंग लाइक coming from London, having all his professional training over there and then becoming a lawyer, uske baad ek being and then being so meticulous as he was, तो कायदे आज़म के तो एक एक वर्ड, मतलब ऐसे जो लॉयर्स होते हैं और प्रोफेशनल लोग होते हैं उनका तो मतलब हर जो लफ्ज़ है वो नपा तुला होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी जो बात है उसमें कुछ ऐसे ही उन्होंने फिलबदी कह दिया और उसका मीनिंग ना हो या उसको वो ऊन ना करें। तो एनलाइटमेंट का वर्ड जो आपको पता है कि ये वेस्टर्न कल्चर में एक बहुत इसकी इम्पोर्टेंस है, और वो समझते हैं कि उन्होंने जो साइंस के ज़रिए और मटीरियलिस्ट फिलोसफी के ज़रिए जो प्रोग्रेस हासिल किया वही असल में एनलाइटमेंट है। तो उसको उन्होंने यानी फौरी तौर पे आप देखिए कुरान के साथ उसको वो उसका रेफरेंस कर दिया कि कुरान असल में हमें जो गाइडेंस और एनलाइटमेंट जो देती है वो है रियल एनलाइटमेंट। सो 1943 इस्लामिया कॉलेज बॉम्बे में उनका विजिट, उसमें उन्होंने क्या कि व्हाट इज़ रिलीजन, क्या आप समझते हो रिलीजन को, क्या कि वो क्या है, विच गवर्नमेंट क्लेमिंग टू बी ए सिविलाइज्ड गवर्नमेंट कैन डिमोलिश आवर मॉस्क आवर, और विच गवर्नमेंट इज गोइंग टू इंटरफेयर इन द रिलीजन विद रिलीजन विच इज़ स्ट्रिक्टली अ मैटर बिटवीन गॉड एंड मैन। अब ये चीज़ जो यहाँ तक ये जुमला है ये तो ऐसा लग रहा है कि एक सेकुलर आदमी बोल रहा, बिकॉज सेकुलरिज्म को डिफाइंड ही ऐसे किया जाता है कि गॉड और मैन जो है वो उनका आपस का स्ट्रिक्ट पर्सनल मैटर है और स्टेट को इससे बिल्कुल अलग रहना चाहिए। लेकिन कायदे आज़म क्या कह रहे हैं अगले ही जुमले में, वो कह रहे हैं द क्वेश्चन इज दैट मुसलमान्स आर अ नेशन डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ह्यूमन, इस बात के ऊपर आप पहले आओ। और वो तो हम मानते हैं कि गॉड और मैन का ताल्लुक है, रिलीजन का ज़ाहिर ताल्लुक एक बिलीफ चीज़ है, उसका ताल्लुक आपके दिल से है, आपकी रूह से है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपकी सोसाइटी में या आपकी आपके कल्चर में या आपके नॉर्म्स में ये चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं होने वाली है। तो उन्होंने कहा कि असल सवाल तो ये कि मुसलमान एक अलग कौम है, इसकी बात करो आप, जो कि हिंदू नेशन से बिल्कुल डिस्टिंक्ट है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दिल्ली 1943 में उन्होंने क्या कहा,
इस बात का जिक्र है इसमें कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन कैसी बनेगी, बिकॉज यू नो पाकिस्तान बनने से पहले ब्रिटिश का बहुत ज़्यादा इस बात पे एम्फेसिस था, बहुत उनका दबाव था कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों में किस तरह की हुकूमत चलेगी, बिकॉज दे डिडंट वांट के जो कोई कॉम्युनिस्ट आइडियोलॉजी यहाँ पर आ जाए, दे डिडंट वांट कि आप कोई शरिया को लेकर आ जाए, वो ये चाहते थे कि डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का सिस्टम यहां पर लेकर आया जाए। तो उसी सिलसिले में ये बात कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन किस किस्म की होगी, तो ये कायदे आज़म कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कैन ओनली बी फ्रेम बाय द मिल्लत एंड द पीपल, यानी कौम जो हमारी है, मुल्क हमारे लोग जो है, हमारी मिल्लत एज अ वन एंटिटी जो हम पाकिस्तानी मिल्लत बनेगी, वही डिसाइड करेगी, वही बनाएगी कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का, और जो है इट इज़ गोइंग टू बी एन इस्लामिक गवर्नमेंट, यानी फ्रॉम द ऑनसेट उन्होंने ये बोल दिया। इज़ इट नॉट गोइंग टू बी एन इस्लामिक गवर्नमेंट, इज़ इट नॉट बेगिंग द क्वेश्चन, क्या जब आप मुझसे ये पूछते हो कि क्या ये जो गवर्नमेंट आपकी बनेगी क्या वो इस्लामिक गवर्नमेंट बनेगी, तो क्या ये आप यू आर बेगिंग द क्वेश्चन, यानी आप मतलब कि एक आपके जो सवाल है उसी में जवाब है कि ज़ाहिर है जब हम एक अलग मुल्क ले रहे हैं, मुसलमानों के लिए बना रहे हैं, एक दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर बना रहे हैं, तो फिर हमारी गवर्नमेंट एक इस्लामिक गवर्नमेंट ही होगी। तो मतलब दैट वॉज अंडरस्टूड इन द माइंड ऑफ द कायद, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट विल बी व्हाट द पीपल विल डिसाइड, द ओनली क्वेश्चन इज दैट ऑफ माइनॉरिटीज, के जब हम इस वक्त एक बड़े सगीर में माइनॉरिटी हैं और हम अपने राइट्स के लिए जो हमारी स्ट्रगल है वो यही है कि भाई हम अगर यहाँ रह गए तो हमें कुचल दिया जाएगा, तो जब पाकिस्तान बनेगा तो वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ होंगी उनके साथ क्या सलूक होगा, ये एक क्वेश्चन है जो कायदे आज़म के दिमाग में था, और इसका जवाब मेरे नज़र में तो यही है कि जिस तरह से हमें खौफ था कि हिंदू जो है वो अपनी प्रेजुडिस के वजह से और उनकी जो कास्ट सिस्टम बिलीफ है वो उसकी वजह से वो मुसलमानों को दबाएंगे, लेकिन हमारा क्योंकि इस्लाम जो है वो इक्वालिटी बेस्ड है, तो हमारे मुल्क में माइनॉरिटीज़ जो हैं वो सेफ गार्डेड होंगी, वो उनको कोई मतलब उनके ऊपर ऑपरेशन वाली कोई सिचुएशन नहीं होगी। बहरहाल ये 1945 में पब्लिक मीटिंग मर्दान, वी मस्ट गेट पाकिस्तान एट एनी कॉस्ट, फॉर इट वी लिव एंड फॉर इट वी विल डाई, एंड द मुसलमान्स हैव टू स्ट्रगल एंड स्ट्रगल हार्ड फॉर देयर ऑनरेबल एग्जिस्टेंस, यानी एक बाइज्जत एग्जिस्टेंस, एक बाइज्जत मुकाम इन द कम्युनिटी ऑफ नेशंस की बात करें कि हमने एक ऐसी कौम बनना है। You must work and work hard, by doing so you will contribute substantially not only to the honor of 10 crores of Muslims but to the crystallization of a free Muslim state of Pakistan where Muslims will be free, be able to offer the ideology of Islamic rule, yani उनकी बात से क्या, उनकी टोन से क्या पता चल रहा है कि एक ऐसा मुल्क हम बनाएं जो एक आइडियल हो, एक एग्जांपल हो दुनिया भर में मुसलमानों के लिए भी कि किस तरह एक इस्लामिक रूल कायम किया जाता है एक खत्ते, इंसानी खत्ते के अंदर। मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस 1945, द मुस्लिम्स डिमांड पाकिस्तान वेयर दे कैन रूल अकॉर्डिंग टू देयर ओन कोड ऑफ लाइफ एंड अकॉर्डिंग टू देयर ओन कल्चरल ग्रोथ एंड ट्रेडिशंस एंड इस्लामिक लॉ, यानी ये बात बार बार कहना, ऑल्दो कि डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में रहने की भी बार बार बात की कायद ने, लेकिन उन्होंने उस डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में लॉ कौन सा लेकर आना है, तरीक़ाकार कौन सा लेकर आना है जो कि लोगों की मर्ज़ी का है, और वो लोगों की मर्ज़ी को भी डिफ़ाइन कर रहे हैं कि वो एक इस्लामिक लॉ की जो है ये उनकी मर्ज़ी है, ये वो लोग हैं जो इस वक्त पूरे बरसगीर में पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल में लगे हुए, वो अपनी जाने कुर्बान कर रहे हैं, वो दिन रात स्ट्रगल कर रहे हैं, वो कायदे आज़म और दीगर जो कायदीन हैं मुस्लिम लीग के उनके पीछे आकर खड़े हो रहे हैं, उनके बड़े बड़े जलसे, बड़े बड़े प्रोसेशंस जो है वो उनके अंदर वो शामिल हो रहे हैं, क्यों आ रहे हैं वो इस मकसद के लिए आ रहे हैं, वो इस आइडियल को ढूंढने के लिए आ रहे हैं।
ईद मैसेज 1945 बिफोर पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, क्या कहा कायदे आजम ने? उन्होंने कहा कुरान इज द जनरल कोड कोड ऑफ द मुस्लिम। उन्होंने कहा कि कुरान जो है हमें हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी गाइडेंस देता है, हमारी इंडिविजुअल और पब्लिक लाइफ दोनों के लिए, हमारी हमें मॉरेलिटी देता है जो क्राइम्स को माशरे में ख़त्म करने के लिए क्या मॉरेलिटी के स्टैंडर्ड्स है वो हमें कुरान देता है, और पनिशमेंट्स हमें वो बताता है, और जो हमारे प्रॉफिट है, आवर प्रॉफिट हैज़ एंजॉइंड ऑन अस दैट एवरी मुसलमान शुड पोजेस अ कॉपी ऑफ कुरान एंड बी हिज ओन प्रीस्ट। यानी उनका मतलब कि हर मुसलमान के पास एक कुरान की कॉपी होनी चाहिए, उसको एज अ बुक वो रीड करे और वो अपना प्रीस्ट खुद बने, अपना पीर वो खुद बने, अपने आप को वो गाइडेंस वो कहाँ से हासिल करे, वो कुरान से हासिल करे। और जब एक एक इतना मतलब नॉर्मलाइज हो जाएगी कुरान की रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग एक पूरी कौम के अंदर, तो ये चीज़ तो रिफ्लेक्ट होगी ना आपकी लेजिस्लेशन में और आपकी नेशनल कॉन्डक्ट में आपकी ये चीज़ रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। तो दैट इज़ द मैसेज दैट द कायद इज़ गिविंग। Therefore, Islam is not merely confined to the spiritual tenets, the doctrines, rituals, and ceremonies. It is a complete code regulating the whole Muslim society, every department of life, collectively and individually. यानी इस बात को ना सिर्फ acknowledge किया कायदे आजम ने, बल्कि emphasize किया बार बार कि Islam जो है वो ही वो कोड ऑफ देगा जो कि हमारी political, हमारी economic, हमारी social life को जो है वो dictate करेगा। 1946 इस्लामिया कॉलेज, वी डू नॉट डिमांड पाकिस्तान सिंपली टू हैव अ पीस ऑफ लैंड, बट वी हैव वी वांट अ लेबोरेटरी वेयर वी कैन एक्सपेरिमेंट ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स। यानी एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है, कोई उसमें से नया इस्लाम नहीं निकालना होता, बल्कि इस्लाम के अंदर ही इज्तिहाद की जो एक बहुत बड़ी गुंजाइश है। बिकॉज आपको अगर मैं रिमाइंड करा दूँ, कुरान में जो पनिशमेंट्स और लाइक की मतलब वो चीज़ें बताई हुई हैं, वो तो सिर्फ 8 या 10 बड़े बड़े क्राइम्स हैं जिनके बारे में उनकी सज़ाएँ कुरान में मतलब डिटेल की हुई है, लेकिन बाकी माशरे में किस तरह से क्राइम को लेकर चलना है, क्या क्या उसकी जो नीटी ग्रीटीज हैं, वो तो आपको आपके जुडिशल सिस्टम को उसको देखना ही पड़ता है। और यही वहीं पर वो गुंजाइश बनती है जो कुरान में या इस्लाम में भी है कि आप कैसे अपने इस्लामिक प्रिंसिपल्स के साथ को एक्सपेरिमेंट करके यानी एक्सपीरियंस करके उनको एलैबोरेट करते चले जाओगे। Address at Islamia College Peshawar 1946, what relationship knits the Muslims into one whole? Kya cheez hame ikatthe kar rahi hai? The sheet anchor and the rock is the holy कुरान। ये कह रहे हैं हमारे कायदे आज़म, ये है आइडियोलॉजी, इस ये हैं वो बातें जिनके पीछे पूरे बरसगीर के मुसलमान जो हैं वो इनके पीछे आगे खड़े हुए हैं। एक और जगह से 1947 अक्टूबर, पाकिस्तान बच चुका है। वी शुड हैव अ स्टेट इन विच वी कुड लिव एंड ब्रीद एज फ्री मैन, हमें आज़ादी चाहिए थी, एंड विच वी कुड डिवेलप अकॉर्डिंग टू आवर ओन लाइट एंड आवर कल्चर एंड वेयर प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक सोशल जस्टिस कुड फाइंड फ्री प्ले। जो इस्लामिक सोशल जस्टिस का सिस्टम है वही सबसे आइडियल है, और जो इक्वालिटी, जस्टिस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडनेस जो है वो इस्लामिक सोशल जस्टिस सिस्टम में वो कहीं और नहीं हमें मिलेगा। और उसको आप फ्री प्ले करने दें, उसको मत रोकिए, उसका गला ना घोंटे आप, तो फिर आपका मुआशरा कहाँ से कहाँ चला जाएगा, ये बात कह रहे हैं बार बार कायदे आज़म। ब्रॉडकास्ट मैसेज 15 अगस्त, एक दिन बाद पाकिस्तान बने के 1947 में, यही कहना कि पाकिस्तान क्यों बना था, ये बन गया है विद द ग्रेस ऑफ गॉड, और अब जो है एक ऐसा मुल्क बना जहाँ पे हम ब्रीथ करें एज अ फ्री पीपल, और वेयर प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक सोशल जस्टिस कुड फाइंड फ्री फेयर प्ले। अगेन द सेम थिंग, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कराची 1948, वी मस्ट वर्क आवर डेस्टनी इन आवर ओन वे एंड प्रेजेंट टू द वर्ल्ड एन इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन ट्रू इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैनहुड एंड सोशल जस्टिस। यानी पाकिस्तान बनने के फौरन बाद कायदे आज़म ने कह दिया कि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है वो भी इस्लाम के असूलों के ऊपर चल के बनाया जाएगा। वो वेस्टर्न यू नो कितनी कबाहतें हैं वेस्टर्न बैंकिंग सिस्टम में, कितनी बुरी तरह से वो इन्हितात करते हैं अपने लोगों का, एक्सप्लॉयट करते हैं ना सिर्फ अपने लोगों को बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को वो एक्सप्लॉयट करता है वो सिस्टम।
तो कायदे आजम ने फ्रॉम दी ऑनसेट क्या कहा है कि हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो भी इस्लाम पे और कुरान पे बेस्ड होगा। मार्च 1948, नो डाउट देर आर मैनी पीपल हु डू नॉट क्वाइट अप्रिशिएट व्हेन वी टॉक ऑफ इस्लाम, लाइक अगेन पॉइंटिंग बैक टू द थिंग कि जब पाकिस्तान बनने से पहले भी सिर्फ कायदे आजम या इलामा इकबाल नहीं थे जो कि बाहर से तालीम हासिल करके आए थे, बल्कि देवर टन्स ऑफ अदर पीपल, हंड्रेड्स में, और वो लीडर्स लीडर्स में उनका शुमार होता था जो बाहर से तालीम हासिल करके आए थे, और लंदन में उनको बुलाया जाता था, जर्मनी में उनको बुलाया जाता था, और लाइक कॉन्फ्रेंसिस पे उनको बुलाया जाता था। तो बहुत सारे उनमें से ऐसे थे जो वाकई में जो है वेस्टर्न आइडियल्स और उनकी जो सोशल नॉर्म्स है उनसे इम्प्रेस्ड थे, और उनका ख्याल था कि इस्लाम की बात तो है, ठीक है, वो हमारा रिलीजन है, बिलीफ है, उसको नमाजों तक रखो, मस्जिद तक रखो, उनको अपने घरों तक रखो, उसको आप पॉलिटिक्स में क्यों लेकर आते हो, उसको आप इकोनॉमी में क्यों लेकर आते हो। तो अगर ऐसी बात थी तो कायदे आजम कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है इस्लाम के लफ्ज़ से थोड़ा मुतनफ़िर होते हैं जब हम वो बात करते हैं, लेकिन हम जैसे कि पहले मैं बार बार बता रही हूँ कि किस तरह वो एम्फेसिस करते थे कि इस्लाम ही हमारा कोड ऑफ लाइफ होना चाहिए। तो इट इज बेस्ड अपॉन हाईएस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ ऑनर, इंटेग्रिटी, फेयर प्ले एंड जस्टिस फॉर ऑल। यानी इस्लाम जो है वो हमारा एक ऐसा सिस्टम है जिसको हमने पूरे मुल्क के अंदर सराहियत कर देना है, बिकॉज इससे अच्छा ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो कि हमें इससे भी हाईएस्ट ऑनर की, इंटेग्रिटी की, और फेयर प्ले की, और जस्टिस की तालीम जो है वो देता है। फेबरी 1948, एक एक रेजिमेंट मलीर फौज को खिताब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नाउ यू हैव टू स्टैंड गार्ड ओवर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ इस्लामिक डेमोक्रेसी, इस्लामिक सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी ऑफ मैनहुड इन योर ओन नेटिव सॉयल। यानी अब ये जो फौज है, जाहिर है ये बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने का इसका असल मकसद होता है, लेकिन अब क्योंकि हमें ये मुल्क मिल चुका है, यह सॉइल हमें मिल चुकी है, तो फिर फौज का ये भी काम है कि वो इस आइडियोलॉजिकल जो हमारी बाउंड्रीज हैं उसको भी प्रोटेक्ट करे, और इस्लामिक डेमोक्रेसी, इस्लामिक सोशल सिस्टम ऑफ इक्वालिटी जो कि पूरी इंसानियत के लिए, उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट होने में उसका साथ दे। स्पीच एट सेबी दरबार 1948, आई हैव ओनली वन अंडरलाइंग प्रिंसिपल इन माई माइंड, द प्रिंसिपल ऑफ मुस्लिम डेमोक्रेसी। अब देख लें कि डेमोक्रेसी को डिनाई नहीं किया कभी भी कायदे आजम ने, लेकिन वो डेमोक्रेसी हमारी ओन होनी चाहिए, हम उसको डिफाइन करेंगे कि वो क्या है, हम उसको बताएंगे कि डेमोक्रेसी कैसे इम्प्लीमेंट होगी, क्या क्या तरीके होंगे, क्या क्या पाथवेज होंगे जिसपे हम चल के ये मुस्लिम डेमोक्रेसी का आइडियल अपने मुल्क में बनाएंगे। इट इज़ माई बिलीव दैट आवर सेल्वेशन लाइज इन फॉलोइंग द गोल्डन रूल्स ऑफ कॉन्डक्ट सेट फॉर अस बाय आवर ग्रेट लॉ गिवर द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। यानी प्रॉफिट ऑफ इस्लाम जो हैं वो सबसे बड़े लॉ गिवर हैं, वो सबसे बड़े लेजिस्लेचर बनाने वाले हैं, और उनकी गाइडलाइन के साथ ही हम एक डेमोक्रेसी अपने मुल्क में राइज करेंगे, और वो एक मुस्लिम डेमोक्रेसी होगी। 1948 ब्रॉडकास्ट मैसेज, इसमें भी वही कह रहे हैं कि आई डू नॉट नो वट द अल्टीमेट शेप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज गोइंग टू बी, बट आई एम श्योर दैट इट विल बी अ डेमोक्रेटिक टाइप एम्बॉडिंग द इसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम। यानी डेमोक्रेसी और इस्लाम को साथ साथ लेके चला। मैं आपको एक बात रिमाइंड करा दूँ कि डेमोक्रेसी वेस्ट में जो है सर इतने सालों से प्रैक्टिस की जा रही है, और अब तो सारी दुनिया के ममालिक में डेमोक्रेटिक इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम चलता है, लेकिन डेमोक्रेसी की कोई डेफिनेशन ऐसी नहीं है जिसको ऊपर तमाम लोग जो हैं वो मुतफिक हों। कोई मतलब हर मुल्क के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी ही फॉर्म की एक डेमोक्रेसी को लेकर चल रहे होते हैं, और कोई एक सेट पैटर्न नहीं है जिसके ऊपर आप डेमोक्रेसी को लेकर चल सकते हो। तो मुसलमानों को और हर मुल्क को ये हक है कि वो अपने कल्चर, अपने नॉर्म्स, अपने बिलीफ सिस्टम के मुताबिक डेमोक्रेटिक जो है वो आइडियल उसको वो अचीव करे। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द कायद हैज बीन सेइंग। ये है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर अगस्त 1947 एड्रेस कर रहे हैं कायदे आजम, यू आर फ्री, वो कह रहे हैं यू आर फ्री टू गो टू योर टेंपल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, टू एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, यू मे बिलोंग टू एनी रीजन और कास्ट और क्रीड, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट नाउ। यही जुमला है जिसको लेकर के ये कहते हैं बहुत सारे हमारे प्रोग्रेसिव लोग कि
قائد اعظم نے تو شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ جو آپ کا ریلیجن ہے اس کا جو ہے وہ حکومت کے ساتھ یا اسٹیٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا ذاتی معاملہ، ایسا نہیں کہہ رہے ہیں قائد اعظم. قائد اعظم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے برے صغیر میں مسلمانوں کے اوپر پابندیاں تھیں، ان کی مساجد کو مسمار کیا جاتا تھا، ان کو اپنی مساجد میں داخل ہونے سے روکا جاتا تھا، ان کے ساتھ بہت آپریشن ہوتی تھی اس طرح کی کہ وہ اپنی ریلیجس جو ان کی ریچولس تھے یا اپنے جو بھی ان کی طریقہ کار تھا زندگی کا، وہ ان کو لیڈ نہیں کرنے دیا جاتا تھا. تو یہ چیز پاکستان میں نہیں ہوگی. پاکستان میں اگر آپ نے کسی ٹیمپل میں جانا ہے، کسی گردوارے میں جانا ہے، تو آپ کو اس سے کوئی نہیں روکے گا، نہ ہی آپ کے ٹیمپلز اور گردواروں کو توڑا جائے گا، نہ ہی جو ہے آپ کے اوپر کوئی ایسی آپریشن کی جائے گی کہ آپ اپنے ریلیجن سے آپ کو زبردستی ہٹایا جائے گا. آپ فری ہیں اس کام کے لیے. اسٹیٹ آف پاکستان کی یہ بزنس نہیں ہے کہ آپ کو ریلیجن، آپ کے ریلیجن کو سے آپ کو روکا جائے یا آپ کو مجبور کیا جائے، جو کہ ایگزیکٹلی اس وقت ہو رہا ہے آفٹر سو مینی ڈیکیڈز برصغیر میں، سوری انڈیا کے اندر، جہاں پہ بی جے پی جب سے ان کا رول وہاں پہ آیا ہے تب سے وہ گھر واپسی اسکیم کے تحت مسلمانوں کو اور جو عیسائی وہاں پہ لوگ ہیں ان کو مجبور کرتے رہے ہیں کہ وہ اپنے ریلیجن کو چھوڑ کر کے ہندو مت کے اندر آ جائیں. سو ایسی چیز پاکستان میں نہیں ہوگی. یہ بات کہہ رہے تھے قائد اعظم. وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم جو گورنمنٹ بنائیں گے، جو اسٹیٹ ہمارا بنے گا، وہ اسلامک پرنسپلس کے اوپر لے ڈاؤن نہیں ہوگا. وہ اسلام اور قرآن اور اپنے پروفٹ کے سے جو ہے وہ لا ٹیکنگ نہیں کرے گا، ایسا وہ نہیں کہہ رہے تھے. بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ سیف گارڈ رہیں گے ہمارے ملک میں مائنورٹیز، ان کے اوپر کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی. یہ ہیں ہمارے قائد اعظم، یہ ہیں ان کی باتیں، یہ ہیں وہ آئیڈیاز جو، اور وہ جو ڈریم، یہ ہیں وہ باتیں، یہ ہیں وہ آئیڈیلز، اور یہ ہیں وہ ڈریم جو کہ قائد اعظم نے اس سارے مشکل سناریوں میں سے ایک طرح سے چھین کر کے ہمارے جھولی میں ڈالا پاکستان کی صورت میں. اور انہوں نے ہمیں ایک، مطلب اپنے اسٹرینگتھ آف کیریکٹر سے ہمارے اندر اسٹرینگتھ ڈالی، اور وہ اسٹرینگتھ لے کر ہم آج تک اس کو چیریش بھی کرتے ہیں اور اس کو لے کر آگے چلنا چاہتے ہیں. آل دو آف کورس قائد اعظم واز ناٹ اے پروفٹ، قائد اعظم واز ناٹ لائک کوئی پیر مرشد نہیں تھے، لیکن کیوں ہم ان کے پیچھے کھڑا ہونا پسند کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے جو، ہماری گائیڈنس ہے وہ قرآن ہے، ہماری جو گائیڈنس ہے وہ اسلام ہے، اور ہماری جو لا گیور ہیں وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سو ناؤ یو مسٹ ناٹ فیل یور نیشن. اب ہمیں یہ اپنے نیشن کو فیل نہیں کرنا چاہیے. یہ بات ہمیں قائد اعظم کی یاد رکھنی چاہیے کہ اتنی محنت، اتنی جد و جہد، اتنی اسٹرگل، اتنی قربانیوں کے بعد جو ملک ہمیں ملا ہے، ناؤ وی شوڈ ناٹ فیل دس کنٹری، دس نیشن. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم ہی سیڈ دیٹ وی شوڈ ہیو پاکستان ان شاء اللہ، اینڈ ہی میڈ شیور دیٹ وی ڈیڈ گیٹ پاکستان.